हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी हैप्पी संडे। वेलकम अगेन टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं टाटा के शोरूम। हम नेक्सा का जो नया क्रेज वेरिएंट आया है उसमें चेकआउट करने आए हैं कि उसमें टाटा ने क्या क्या चेंजेस किया है। आई नो देर आर गोना बी सम कॉस्मेटिक चेंजेस, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा इसकी कहते हैं ना मेकअप वेकअप ज़्यादा कर दिया अब इसका, थोड़ा सा फ्लैशी कॉस्मेटिक चेंजेस किए विच लुक्स वाइब्रेंट, कईयों को अच्छे लगेंगे ये जो चेंजेस है इस पर किए गए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वी टॉक, हम इतना डेप्थ में बात नहीं करेंगे नेक्सॉन के बारे में, क्योंकि वो मैं पहले कर चुका हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं, क्योंकि इसमें डायमेंशन इंजन वाइज कुछ चेंजेस नहीं है। इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक एंड एड ऑन वेरियंट। वाई दे एड ऑन वेरियंट, क्यों इन्होंने ऐड किया? बिकॉज नेक्सॉन कम्प्लीटेड 1 ईयर इन इंडियन मार्केट, तो एक साल की सेलिब्रेशन हो रही है। सो दैट्स वाई दे कम अप विद द क्रेज वेरियंट। सो आज हम उसी को ही चेकआउट करेंगे एंड स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द वीडियो। भाई, सबसे पहले अगर मैं इसके एक्सटीरियर की बात करूं, तो सबसे पहले आपको जो फ्रंट की ग्रिल है उसमें आपको 4 कलर्स के ग्रीन में ब्लॉक्स मिलेंगे, जो ग्रीन मैट ग्रीन कलर में पेंट किए गए हैं। मतलब कि ग्रिल जो है वो बॉक्स शेप में, उसके ग्रिल को जो ग्रिल है उसके बॉक्स शेप में डिज़ाइन किया गया। तो उन्होंने जस्ट सेलेक्टेड 4 बॉक्सेस कलर्ड इन मैट ग्रीन कलर। तो दिस इज़ द चेंज, दिस इज़ द ग्रिल यू गेट इन द क्रेज वेरिएंट, जिससे पता चल जाएगा फ्रंट से देखने वाले को कि दैट यू आर ड्राइविंग द नेक्सॉन क्रेज वेरिएंट। उसके अलावा द ग्रिल इज़ इन अ ग्लोसी ब्लैक फिनिश। उसके बाद देयर ऐड अ न्यू कलर टू द नेक्सॉन रेंज, ब्लैक कलर ऐड कर दिया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्लैक कलर लुक्स अमेजिंग। दिस इज़ द सेम कलर डैट जीप कंपस यूज्ड, के मुझे सेल्स स्टाफ ने बताया कि जो ये कलर है सेम कंपस वाला ही यूज़ होता है, बिकॉज कंपस जहाँ पेंट होती है जिस फैक्ट्री में वही पेंट नेक्सॉन भी पेंट होती है, तो दे आर यूजिंग द सेम कलर। सो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि कंपस इज़ अ 20 लाख कार, दिस इज़ अ 10 लाख कार। तो 10 लाख की गाड़ी में आपको 20 लाख वाली गाड़ी का पेंट मिल रहा है, वो भी ब्लैक में, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सुपर अमेजिंग। उसके फ्रेंड्स, हम साइड में आएंगे, साइड प्रोफाइल में, तो यू विल सी द साइड मिरर्स आर कलर्ड इन मैट ग्रीन कलर एज वेल। जो हाईलाइट पार्ट है वो साइड मिरर्स होने वाले हैं। उसके बाद जो हम बात करेंगे तो वो है इसके टायर्स के व्हील कवर्स को, के एक पोर्शन को भी इन्होंने मैट ग्रीन कलर में पेंट किया गया है। दैट लुक्स अमेजिंग, द कलर दे हैव यूज्ड, जो मैं गाइज आपको बताना चाहूँगा, जो कलर इन्होंने यूज़ किया काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। दैट मैट ग्रीन कलर लुक्स अमेजिंग टू द आईज। उसके बाद गाइज हम जाएंगे इसके बैक में, बैक में आपको क्रेज की बैजिंग मिलेगी एंड द जेड आल्सो कलर्ड इन मैट ग्रीन कलर। सो क्रेज बैजिंग आपको पीछे मिलेंगी विच लुक्स अमेजिंग टू द आईज। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम एक्सटीरियर में देखें तो देर इज़ नथिंग मच डिफरेंस दैट आई शुड टॉक विद यू। वैसे मैं बात करूँ तो इट विल कम इन 16 इंच के इसमें व्हील्स आते हैं,
एंड नॉर्मल हैलोजन लाइट्स है इसके ऊपर, रूफ रेल्स आपको मिलेंगी विच कवर इन काइंड ऑफ ग्रे सिल्वर कलर, सो बाकी सब कुछ। तो इसका जो मेन हाईलाइट पॉइंट है वो इसका फ्रंट डैशबोर्ड होने वाला है, क्योंकि इसका जो डैशबोर्ड है वो पियानो ब्लैक कलर में रंग दिया गया है, और जो एसी वेंट्स की आउटर लाइंस है उसको मैट ग्रीन कलर में रंगा गया है। तो आपको मैट ग्रीन कलर की आउटलाइन मिलेगी एसी वेंट्स पे, और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो बीच में ऑटो एसी के कंट्रोल्स है उसके बीच में आपको क्रेज की बैजिंग भी मिलेगी। आप कौन सा वेरिएंट चला रहे हो, क्रेज जेड प्लस या फिर सिंपल क्रेज वेरिएंट, तो इट लुक्स अमेजिंग। स्टेरिंग आल्सो कलर्ड इन ग्लोसी ब्लैक फिनिश में रख दिया गया है, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नेक्सॉन में आपको सिल्वर फिनिश में मिलता था, और द डोर पैनल्स आर आल्सो, जो सिल्वर पैनल था उसको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में रंग दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी जो सीट्स है, सीट्स में स्टिचिंग्स आपको ग्रीन कलर में मिलेंगी, और द डोर पैनल्स आर आल्सो, जो सिल्वर पैनल था उसको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में रंग दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी जो सीट्स है, सीट्स में स्टिचिंग्स आपको ग्रीन कलर में मिलेंगी, और सम ग्रीन पैटर्न गाड़ी की सीट्स में भी रखा गया है, विच लुक्स अमेजिंग, क्योंकि इट्स क्रेज रिप्रेजेंट जो इसमें कलर हो रहा है वो ग्रीन को हाईलाइट हो रहा है, तो यू विल क्लियरली सो दैट ग्रीन कलर ऑल ओवर द कार, चाहे वो एक्सटीरियर हो और चाहे इंटीरियर हो। इसके अलावा देयर इज नथिंग मच चेंज। गाड़ी में आपको नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जिससे आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट टू एयरबैग्स के साथ आती है, ऑटो एसी मिलेगा आपको, सिक्स स्पीड गियर के बॉक्स के साथ आती है, राइडिंग मोड्स मिलेंगे, साइड मिरर आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड मिलेंगे। आई डोंट थिंक फोल्डेबल का ऑप्शन है। रियर में आपको एसी वेंट्स मिलेगा, बट रियर की सीट्स में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलने वाले हैं, फ्रंट की सीट्स में मिलेंगे। सो दिस इज़ द नेक्सॉन, मैंने आपको एक बार थोड़ी और डिटेलिंग दे दी, बाकी नॉर्मल वही सब फीचर है, एंड देर इज़ नथिंग दैट नथिंग न्यू इन अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्मेटिक चेंज, देर इज़ नथिंग न्यू इन नेक्सॉन क्रेज। सो गाइस आई सॉ समथिंग डिफरेंट, सो आई वांट टू शेयर विद यू कि मैंने अभी पूछा कि व्हाई देर आर टू टाइगर्स आर शोन इन दिस रियर विंडस्क्रीन। सो द सेल्स बॉय टोल्ड मी एंड माई गुड फ्रेंड टोल्ड मी दैट एक्चुअली टाटा इज सेइंग कि सेफ टाइगर्स एंड कूल्ड क्लब बॉक्स है उसके अंदर भी, आप अगर ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ भी शेर को एम्ब्रॉयड किया गया है फॉर द टाइगर सेफ्टी, विच इज़ अ गुड एंड गुड मैसेज। पहली बात तो बहुत अच्छा मैसेज है एंड अ गुड थिंग डन बाय टाटा। सो गाइज अब हम इसके सबसे मेन पॉइंट में आते हैं कि वाट आर द प्राइस डिफरेंस इन दिस कार। हम नॉर्मल गाड़ी नेक्सॉन से क्रेज वेरिएंट को लेते हैं तो क्या प्राइस डिफरेंस आएगा। सो गाइज प्राइस डिफरेंस सिर्फ 15-20 हज़ार का इस गाड़ी में, और मैंने जैसे आपको बताया है कि क्रेज दो वेरिएंट्स में आएगी, क्रेज एंड क्रेज प्लस वेरिएंट। उसके ऊपर जो टॉप मॉडल है उसमें जैसे अलॉय व्हील्स वाले मॉडल में क्रेज नहीं आएगा, इट सिट्स बिटवीन मिडल, मतलब कि बेस के ऊपर और टॉप के नीचे में सिट करते हैं इसके दोनों मॉडल। सो यू कैन सेलेक्ट इट वॉट एवर वेरियंट यू वॉन्ट इन योर कार क्रेज कार। 15-20 हज़ार का डिफरेंस है। इफ़ यू वॉन्ट दैट वाइब्रेंट ग्रीन कलर इन योर कार और यू लव टू दैट कलर, देन यू कैन गो फॉर क्रेज वेरियंट। एंड इफ़ यू आर अ ब्लैक कार लवर, देन दिस वेरियंट लुक्स अमेजिंग। ब्लैक कलर में है, ग्रीन हाईलाइट्स है आउटसाइड, इनसाइड इफ यू पुट मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स दैट इट लुक फैब इन दिस कार। सो फ्रेंड्स दैट्स नेक्सॉन क्रेज फॉर यू, एंड I found it a sweet little refreshment update to the Nexon series जो उन्होंने 1 year की celebration के लिए बनाया है। So guys, I hope you like the video. अगर आपको मेरा channel अच्छा लगता है, if you are new to my channel, तो please do subscribe to my channel. Notification bell icon पर click करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप करोगे तो जैसे ही मैं video डालूँगा सीधा आपको धबकती ही notification आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने video डाल दिया, तो You can watch it, यार simply watch it and do follow me on Instagram, Facebook पे भी आप मेरे के पेज को लाइक कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम अप डू। एंड जाते जाते फ्रेंड्स यही कहूँगा, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग टू व्हीलर, एंड रोड सर्वर साइनिंग ऑफ। जय बजरंगबली।